हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी पार्ट सेकंड फाइनल ईयर के ब्रांच के लिए सिक्स सेमेस्टर ओनली सिलेबस से ही हम कवर करेंगे। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर बात करते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, या एक ही प्रकार के पार्ट जब अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं या मास प्रोडक्शन हो रहा है, जिनका शेप और साइज एक समान हो एवं वो इतने एक्यूरेट हो कि एक दूसरे की जगह फिट हो जाए, इस प्रॉपर्टी को हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसी तकनीक होती है मास प्रोडक्शन के टाइम, कोई भी अगर प्रोडक्ट है हमारा जो अगर उसको बनाया जा रहा है, उसके माप और साइज में जो है एक निश्चित सीमा तक की ज़रूरत पड़ने पर उसको अगर प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस आते हैं आने वाले टाइम में, तो हम उसको आसानी से चेंज कर सकें बिना टूट फूट के, और जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी कोई भी रुकावट ना आने पाए। इस वजह से जो है इंटरचेंजेबिलिटी का किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी प्रोडक्शन के लिए होना बहुत ही आवश्यक। प्रिसिशन यानी कि सूक्ष्मता या शुद्धता, किसी मापन यंत्र द्वारा अगर कोई माप बार बार ली जाए और माप हर बार एक समान हो, तो इस प्रकार ली गई मापों की समानता उसकी प्रिसिशन कहलाती है। मतलब कि अगर कोई भी माप हम मापेंगे, बाई चांस कभी भी कुछ नाप रहे हो, उसको बार बार नापेंगे, जो जितनी एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो उस यंत्र की प्रिसिशन या शुद्धता कहलाएगी। मतलब पॉइंट से पॉइंट कम एरर में वो आ जाए। बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का अर्थ होता है कि माप से प्राप्त मान वास्तविक या सत्य मान के कितना निकट है। मतलब कि मेज़रमेंट के दौरान जो भी माप मिली हो और वो रियल वैल्यू के कितने करीब है या फिर रियल वैल्यू के कितने पास है, उसको ही हम एक्यूरेसी बोलेंगे। फिर बात करते हैं सेंसिटिविटी की। किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई किसी माप के छोटे से छोटे डिफरेंस को मापने की सूक्ष्मता ही उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। ये फ़ोन वाली सेंसिटिविटी की बात नहीं हो रही कि पबजी गेम में जो है मोबाइल की सेंसिटिविटी अच्छी होगी तभी हम खेलवा कर पाएंगे, तो ये बात हो रही है हमारे जो हमारा अपार्टस है उसकी यंत्र के द्वारा जो भी मेज़रमेंट हो रही है कितनी एक्यूरेट हो रही है उसे उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं। तो बात करते हैं कैलिब्रेशन की। दो मापनों की तुलना को ही कैलिब्रेशन कहते हैं, यानी कि इनमें से कोई अगर पहला मापन ज्ञात शुद्धता वाले मापक यंत्र से नापा गया होता है या फिर ज्ञात परिमाण का होता है, तथा दूसरा मापन उस मापन यंत्र से ही किया जाता है जिसे संशोधित करना है। मतलब कि दो तरीके के मापन होंगे, एक का जो है एक से तो पहले ज्ञात कर लिया जाएगा परिमाण, फिर उसके बाद दूसरा जिसको संशोधित करना है उससे नापा जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हमारा रेस्पॉन्स टाइम यानी कि प्रतिक्रिया टाइम। किसी भी मापन यंत्र द्वारा इनपुट एप्लीकेशन के डाटा को फाइनल पोजीशन में चेंज करने में लगे समय को उस यंत्र की रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इसको एक सिंपल तरीके से भी ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जिसको हम जितना टाइम दे रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे टाइम दे रहे हैं, मतलब कि हम उसको अपना रिस्पांस दे रहे हैं, उतना किसी एक व्यक्ति के पीछे रिस्पांस दे रहे हैं। मतलब है कि उस चीज़ पर हम सामने वाले को जो है कितना रिस्पांस दे रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी मेज़रमेंट का मोबाइल वगैरह हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं रिपीटेबिलिटी यानी कि मापन की बारंबारता। किसी मापन यंत्र द्वारा किसी एक ही पैरामीटर को बार बार मापते हैं, जो उसका एवरेज आता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, उसी को हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं। कोई भी मापन यंत्र द्वारा हम जब भी एक ही पैरामीटर को बार बार मापेंगे तो उसका जो एवरेज आएगा, उसी का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं हिस्टेरिसिस। किसी भी मापन यंत्र द्वारा एक निश्चित रेंज के अंदर मापी गई आउटपुट के जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जहाँ से इनपुट घटेगा, उसे ही हिस्टेरिसिस कहते हैं। बात करते हैं माप की अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। क्वांटम मैकेनिक्स का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अगर कोई भी कण एक स्थिति एवं संवेग को एक साथ एकदम ठीक ठीक से नहीं मापा जा सकता है, तो एक ही राशि को जितनी शुद्धता से मापी जाएगी तो जो दूसरी राशि है उसको मापने में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जाएगी, चाहे जितनी ही उसमें कुशलता क्यों ना बरती जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें, और वेट करिए पार्ट थर्ड के लिए। जल्द से जल्द पार्ट थर्ड भी अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।